9-10 हजार करोड़ के आसपास। रमन सिंह को चलाने तो यार, अब वो कहते थे, नारा लगे थे डीजल नहीं है, अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। तो मोहम्मद अकबर जी ने क्वेश्चन लगाया कितना डीजल बना और कितनी गाड़ी चली, तो उत्तर आया था एक भी लीटर बना नहीं, न एक गाड़ी कोई चली नहीं। फिर तो अकबर जी ने कहा अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाके खाड़ी में। अब वो तो भाई भाजपा वाले देखे हैं यू टर्न ले लिए हैं, गारंटी किसका दी है, मोदी जी का। एक मिनट यार, एक मिनट, क्वेश्चन तो उत्तर आने दीजिए, मैं आपको भी लूँगा, आपके क्वेश्चन लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी किसकी दी है, मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में आए 3100 रुपये में धान खरीदे, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने, बोला अपने भाषण में नहीं बोला, फिर मोदी गारंटी कैसे। नंबर दो, जी एक चीज बताइए, 15 साल में सुर्खी करोड़ नहीं बना सके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, है ना, आपको लाज नहीं आती ये कहते हुए। 15 साल आपको मौका मिला, प्रमुख मार्ग नहीं बना पाए। ये उदाहरण है कि आपने कितनी उपेक्षा राजनांदगांव की है। और हम लोग जो बोले हैं वो होगा, चिंता मत करिए। एक मिनट, इधर वालों को मौका दो। एक मैं तो व्यापारियों से यही कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए, गिरीश देवांगन जी को संभाग आपको मिलेगा, जैसे खैरागढ़ में हमने किया था। एक मिनट रुक जाओ भाई, इधर ये करीब ये है कि 9000 करोड़, 9-10 हजार करोड़ के आसपास पड़ेगा। हाँ नहीं भैया, उसे रमन सिंह को चलाने दो यार, अब वो कहते थे, नारा लगाते थे डीजल नहीं है, अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। तो मोहम्मद अकबर जी ने क्वेश्चन लगाया कितना डीजल बना और कितनी गाड़ी चली, तो उत्तर आया था एक भी लीटर बना नहीं, न एक गाड़ी कोई चली नहीं। फिर तो अकबर जी ने कहा अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाके खाड़ी में। अब वो तो भाई भाजपा वाले देखे हैं यू टर्न ले लिए हैं, गारंटी किसका दी है, मोदी जी का। एक मिनट यार, एक मिनट, क्वेश्चन तो उत्तर आने दीजिए, मैं आपको भी लूँगा, आपके क्वेश्चन लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी किसकी दी है, मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में आए 3100 रुपये में धान खरीदे, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने, बोला अपने भाषण में नहीं बोला, फिर मोदी गारंटी कैसे। नंबर दो, कि मोदी सरकार ने ही बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया है 2014 में, और इसी कारण से रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा है ना 3100 रुपया, आज लगभग 2200 रुपया क्विंटल है धान के, अब 3100 रुपया उन्होंने कहा है तो 900 रुपया अतिरिक्त हुआ, तो ये क्या बोनस नहीं है। और जब प्रतिबंध लगा दिए हैं तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रतिबंध हटा दिए हैं क्या, और प्रतिबंध नहीं हटाए तो देंगे कैसे। हम तो ये बोले हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी है उसको मिला के आपके धान की कीमत 3200 रुपया होगी, ये हमने कहा, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। तो एक तो यू टर्न मारने वाली बात ये हो गई, दूसरा वो कहते हैं पंचायतों में नकदी वितरण होगा, एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आज जब हम किसान के खाते में तीसरे दिन पैसा डाल रहे हैं, जैसे कोई लाइन लगना नहीं है, आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। अब रमन सिंह जी चाहते हैं कि वो पंचायतों से पैसा वितरण हो, मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने खुद के लिए कमीशन की व्यवस्था कर ली है, तो नकदी बटेगा तो क्या होगा, कमीशन खोरी होगी, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, तो फिर
वही होगा। ठीक है, अब आप बोले। एक मिनट, यही इसी होटल से। जी, ऐसा है, ये घोषणा पत्र केवल राजनांदगांव मैं भर नहीं कर रहा हूँ, राजधानी में शैलजा जी कर रहे हैं, मेरे राष्ट्रीय महासचिव रायपुर में, अंबिकापुर में टी एस सिंहदेव जी कर रहे हैं, तो बिलासपुर में शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन महंत जी कर रहे हैं, अकबर साहब है वो कंवरधाम कर रहे हैं, तो अलग अलग दीपक बैज जी जगदलपुर से कर रहे हैं। पहले एक बार एक जगह किए थे, हमने सभी पत्रकारों को मौका दिया है कि सभी जगह पत्रकारों से बातचीत हो जाए और सभी जगह बराबर छप जाए, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। हाँ बोलो भाई। देखिए, पत्रकारों के लिए जितना काम हमारे शासन काल में हुआ, बजट में जितना हमने दी है, उसकी जानकारी आप लोगों को होगी, है ना। अधिमान्यता पत्र पहले बड़ा जटिल था, अब तो ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को भी मिलने लगा अधिमान्यता पत्र। उस पत्र के माध्यम से आपको ट्रेन में और दूसरी जगह जो सुविधाएं मिलती है वो मिलेगा। दूसरा, 60 साल से बढ़ा के हमने 62 साल कर दिया। पेंशन है 5,000 बढ़ा के 10,000 कर दिया। जो इलाज है, पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। और आपके यहाँ कॉलोनी बन गया, और मैं तो हर जगह पत्रकारों से बोलता हूँ, हमको भी ज़मीन चाहिए, तो मैं बोलता हूँ राजनांदगांव पत्रकारों से जाके संपर्क करो, वो कैसे ज़मीन हासिल किए हैं, कैसे कॉलोनी बना रहे हैं। वो सभी पत्रकारों के लिए मैंने एक उदाहरण, मैं हर जगह जाता हूँ, कटघोरा भी जाता हूँ, या जसपुर भी जाता हूँ, या कोंटा, या फिर और कहीं भी जाता हूँ, तो उन पत्रकारों को बोलता हूँ कि आप राजनांदगांव पत्रकार साथियों से संपर्क करें और उसी प्रकार से आप जमीन आप प्राप्त करें। और भाई, पत्रकार सुरक्षा कानून भी हमने बनाया, ठीक है। अब उसके अलावा क्या आता है? पहली बात तो ये है कि वो आदित्यनाथ जी योगी लिखते हैं, मैं तो आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, 2-4 आसन तो ठीक से सीख लो, तब योगी लिखो। एक आसन तो कर नहीं पाए, हम लोग वीडियो देखे थे, वो एक पैर में खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे, कैसे योगी है भाई, है ना। तो उनका असर उसर कुछ होगा नहीं। पहली बात यह है, गौ माता की जय बोलते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में जो गौ माता है वो सड़कों पे है, खेत बचाने के लिए किसान और उसके पूरा परिवार दिन रात जागरण कर रहे हैं, तब फसल बचा पाते हैं। उनको ठीक कर लें पहले, उसके बाद यहाँ बात करें। हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री से मैंने इतना ही पत्र लिखा है कि बोनस देने की अनुमति दे दोगे, प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, आप बोनस नहीं दोगे। केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, तो मुझे छूट दे दो आप। मैं 2 साल का जो रमन सिंह ने नहीं दिया है, उस बोनस को मैं दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।